अभी तक हमने आपको जानकारी दी थी 12 राशियों की, पूरा 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन दिसंबर का महीना जा रहा है, जाते जाते क्या गुण खिलाएगा आज ये बताऊंगा। बताना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन लोगों की डिमांड आ रही है कि गुरुजी आप एपिसोड नहीं कर रहे हैं। हमने कहा राशिफल देखो, खुशियां मनाओ। लेकिन देखिए 14 तारीख को, 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। इस ग्रहण का प्रभाव हिंदुस्तान पर तो नहीं है, ये ग्रहण रात्रि काल में आ रहा है, यानी जिधर दिन होगा पृथ्वी के घूमने के हिसाब से उधर ये ग्रहण प्रभावित होगा। इसका मतलब उन देशों पर कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव आएगा, लेकिन हिंदुस्तान पर ये ग्रहण इतना पावरफुल नहीं है। हिंदुस्तान की जो स्थिति खराब की 2019 के ग्रहण ने और 2020 के ग्रहण ने, इन ग्रहणों ने इस दान को झकझोर के रख दिया। मैंने बहुत पहले फोरकास्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि सरकार की स्थिति मजबूत होने के बाद भी ये परेशानियों से घिरी रहेगी, उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी, और हुआ भी वही। 2020 के अंदर पहले शाहीन बाग ने इनकी नाक में दम करके रखा, अभी किसान आंदोलन भी सिर पर खड़ा हुआ है, चाइना सिर पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार चैन में नहीं है। और चैन में सरकार इसलिए नहीं है कि सूर्य चैन में नहीं है, इसलिए राज ज्योतिषियों की जरूरत है। अगर देश के प्रधानमंत्री मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अपने पीएमओ के अंदर एक अच्छे ज्योतिषियों का एक बोर्ड बना लो, जैसे राज ज्योतिषी हुआ करते थे ऐसे ज्योतिषी रखो। ये मैं नहीं कहता कि मेरे को रखो, 8-9 ज्योतिषियों की टीम हो, अच्छे अच्छे विद्वान ज्योतिषी हो, उनका शास्त्रार्थ होता रहे और वो कैलकुलेशन करें, उनको सैलरी दो अच्छी। ये विज्ञान है और इस विज्ञान का फायदा ले सकते हो। तो हमने भविष्यवाणी की थी कि सरकार बहुत बुरी तरीके से फंसी रहेगी, जब पूर्व बहुमत में भी है, सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, दबाव पे दबाव, ये ग्रहण के प्रभाव। कोरोना ने पूरा साल नाक में दम करके रख दिया। हमने 2019 के ग्रहण में कहा था कि वायरस की बीमारी आएगी, और हमने कहा था 2020 का जो ग्रहण है जो जून में हुआ था, हमने कहा था कि हवाई युद्ध होंगे। तो आपने देखा कि दो देशों के अंदर कितना बुरी तरीके से युद्ध हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर, और अभी भी चाइना सिर पर खड़ा हुआ है। तो सूर्य जाते जाते त्राय त्राय करने वाला है, त्राय त्राय इसलिए करेगा कि ये ग्रहण आ रहा है, सूर्य केतु की युति आ रही है। जैसे कि हमने कहा था बड़े नेता की कृति मृत्यु होना, और उससे पहले हमने बीच में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री पे भारी है, बहुत ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक, 5-7 बड़े चेहरे चले गए, 5-7 बड़े बड़े ड्रग्स में फंस गए, बुरा हाल है। तो ज्योतिष को आप नकार तो सकते नहीं, डिनाई नहीं कर सकते। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने अगर वो जॉब छोड़ करके, सारा छोड़ करके इस लाइन के अंदर आया हूं और 15-20 किताबें लिखी और इतने हजारों स्टूडेंट पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब एक विज्ञान है, इस विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो आज मैं बताऊंगा कि जाते जाते त्राय त्राय क्यों सूर्य करने वाला है, और ये खर मास चालू हो रहा है, 14 तारीख को ग्रहण है, सूर्य केतु की युति है जो देश के बड़े नेताओं पर भारी होगा, और उसके बाद सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। सूर्य जब जब भी मीन राशि में और जब जब भी धनु राशि में आता है तो खर मास लगता है, यानी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार होता है कि आग का गोला है सूर्य, और जब शुभता वाले क्षेत्र के ऊपर से घूमता है तो शुभ चीजें खत्म हो जाती है, शुभत्व खत्म हो जाता है। सूर्य तेज है, ओजस्वी है, आग स्वरूप है, इसलिए खरमास यहां पर पूजा पाठ नहीं चलती है। इसलिए अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं, आप कोई मंत्र जाप सिद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं शुभ कारण को रोक देता है। अब हम शुरुआत करेंगे, उन 4 राशियों की जानकारी देंगे जिनके लिए काफी नुकसानदायक, गंभीर उनके लिए है, ये घातक भी है, उनकी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, नए साल आ रहे हैं और नए साल के अंदर उनका स्वागत करें, वो तो अच्छा है, बेटर है, 50% अच्छा है 2020 से, पूरा तो ठीक नहीं है। उसमें हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें,
इसको भी ऊंचाइयां दें, वैसे तो आपका बड़ा प्यार मिलता रहता है, साथ में गालियां भी मिलती हैं। तो मित्रों सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब मैं उन चार राशियों की जानकारी देता हूं जिनको सावधान रहना है, जिनके लिए ये खरमास और जिनके लिए सूर्य का धनु राशि में प्रवेश काफी घातक हो सकता है, और उपाय भी आपको साथ में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक आप देखते रहें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन सी राशि है जो सबसे ज्यादा नुकसान जिसके अंदर सूर्य को होने वाला है, वो राशि है वृष। वृष राशि में मदर स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में रहेगा, और मृत्यु स्थान में जाना और केतु और शनि के पाप कर्तरि योग में आना, ये बड़ा एक डेंजर जोन जाता है। और सूर्य पिता का कारक है तो माता पिता पर इसका प्रभाव नकारात्मक जाने वाला है, इसलिए इस पीरियड में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो 15 दिसंबर रात के 9:31 के बाद बिल्कुल ना खरीदें। 15 दिसंबर की शाम यानी 15 दिसंबर रात के बाद में ये कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाला है, परेशानी देने वाला है वृष राशि वालों के लिए। पूरा एक महीना मदर के लिए अच्छा नहीं है, पिता के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा, यहां सावधानी बरतने की जरूरत होगी आपको। अगली राशि है हमारे पास में कर्क। कर्क राशि में धन का स्वामी है ये, और कर्ज रोग चोट लूट के घर में पड़ा हुआ है। आपके घर में धन की लूट हो सकती है, चोरी डकैती हो सकती है, पैसा खो सकता है, परिवार में कोई भयंकर बीमार हो सकता है, माता पिता को कष्ट हो सकता है, तो यहां आपको भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहां पर दरिद्र योग बन रहा है। यहां इन राशियों के लिए दरिद्र योग बनता है तो सावधानी बरतनी आपको बहुत ही आवश्यक है। अगली राशि है हमारे पास में तुला। तुला राशि में लाभ का स्वामी तीसरे भाव में है ये, लेकिन ये मजबूत होता है यहां पर। यहां पर इसको बहुत ज्यादा बुरा मैं इसलिए नहीं कहूंगा, ये राशि वालों के लिए पाप कर्तरि योग के कारण थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, लेकिन पैसे के मामले में ये कमजोर नहीं रहने वाले हैं, पैसे के लिए काफी अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है, तो आप इसलिए ज्यादा टेंशन ना लें। अगली राशि हमारे पास में मकर। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा खतरा है, मृत्यु स्थान का स्वामी बारहवें भाव में चलेगा खर मास के अंदर, तो यानी कोल्ड कप की बीमारी बन सकती है, थोड़ा आयु को रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, पिता को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो यहां पर भी थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन कैरियर के मामले में आप बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सूर्य है खरमास के अंदर जो तकलीफ में रहेगा, ऐसा कौन सा ग्रह है जो और दूसरा जो हमें बचाव कर सकता है जिसके कारण हमें थोड़ी सी स्थिति मजबूत हो सकती है, तो मंगल को मजबूत कर सकते हैं। मंगल थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मंगल का इसके साथ नव पंचम योग आ जाएगा, ये राशि परिवर्तन कर लेगा तो थोड़ा सा बेटर स्थिति में आ जाएगा, तो काफी अच्छा यहां पर हो सकता है। बृहस्पति नीच स्थिति में है तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि ये जो खर मास चलेगा इस खर मास में जो सूर्य की स्थिति है बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं तकलीफ में है। वृष राशि के लिए मृत्यु स्थान में जाएगा, तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इसको नक को पहन लें यानी माणिक नक पहन लेते हैं तो सूर्य को मजबूत किया जाए। सूर्य अगर मजबूत होता है तो माँ का स्वास्थ्य पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। पाप कर्तरि योग केतु और शनि के द्वारा बन रहा है तो आप केतु और शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लगातार ओम केम केतु नमः ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपको। इसी प्रकार से जिनका बारहवें भाव में चलेगा उनके लिए भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आयु का स्वामी है तो उनको खतरा जल से बना रहेगा, तो जल से भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आप ऐसे जलीय स्थान पर ना जाएं जिससे कोई खतरा हो सकता है। बृहस्पति स्वयं नीच का है जिसके लिए मैंने कहा था स्पेशल काफी हानिकारक है, और उसी की राशि के अंदर भी जा रहा है तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे है, दरिद्र योग बन रहा है तो आप दरिद्र योग की पूजा भी करा सकते हैं। मित्रों ये था खर मास और सूर्य का राशि परिवर्तन और जाते जाते तकलीफ देना, अगले साल में काफी कुछ अच्छा होगा, और जानकारी लेकर के फिर आऊंगा, तब तक के लिए आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को